अभिव्यक्ति कला एवं कल्याण समिति द्वारा 3 दिवसीय अभिव्यंजना नामक पेंटिंग कार्यशाला का उद्घाटन संस्कृति विभाग की निदेशक बीना भट्ट ने किया। हरनाम सिंह मार्ग पर स्थित एक गेस्ट हाउस में आयोजित पेंटिंग कार्यशाला में 7 स्टेटों के 10 कलाकार प्रतिभाग कर रहे हैं, जिनमें उत्तराखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के कलाकार शामिल हैं। प्रकृति से जुड़ा हुआ मानवीय जो हमारे रिलेशनशिप है, जो इंसानों के जो आपसी रिश्ते हैं, उसको लेकर के मैं इसमें कपल पेंट करूंगा। युवाओं से, स्कूल के बच्चों से ना, वो इसमें अपना पार्टिसिपेट करें, इसे देखें, समझें, और जिसके पास कला है उसके पास ईश्वर से जुड़ने का एक अलग माध्यम है उसके पास। जो हमारा ट्रेडिशन खत्म होता जा रहा है उसको कैसे बचाया जाए और उसको मॉडर्न कंटेम्प्रेरी आर्ट में कैसे लाया जाए, मैं उस सब्जेक्ट पे काम करता हूँ। पिछले कोई 15-20 साल से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। इस मौके पर संस्कृति विभाग की निदेशक बीना भट्ट ने कहा कि हमारा प्रयास रहता है कि स्वायत्त संस्था के माध्यम से इस तरह की कार्यशाला लगाई जाए। उन्होंने कहा कि देहरादून में शीघ्र ही हिमालय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जा रही है, जिसमें प्रेक्षागृह, म्यूजियम व गैलरी का निर्माण कराया गया है। वहीं सरकार द्वारा फाइन आर्ट की दिशा में छात्रवृत्ति शुरू कर दी गई है, जिसके तहत अभी तक 25 छात्रों को 15-15 हज़ार रुपये की छात्रवृत्तियाँ दी जा चुकी हैं। प्रदेश की जो संस्कृति को दिखाता हो, चेट म्यूजियम हम देहरादून में इसका बहुत शीघ्र ही अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर देगा और बिल्डिंग बन चुकी है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ओपन एयर थिएटर भी है। ये सारी चीजें मिलाकर के एक हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र के नाम से हमने एक कल्चरल सेंटर। देवभूमि न्यूज के लिए मसूरी से आशीष भट्ट।